आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश में रूस यूक्रेन की लड़ाई के चलते कई तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के पशुपालकों के लिए एक खुशखबरी आई है। दरअसल राज्य में दूध के दामों में बदलाव आए हैं, जिसके चलते पशुपालकों के चेहरे खिल उठे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लाभ के लिए दूध खरीद कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करने का फैसला किया है। हालांकि खुदरा दरें पहले की तरह ही रहेंगी, वहीं दूध खरीदार को 2 रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगे। वहीं दूसरी दुग्ध उत्पादक एवं प्रक्रिया कल्याण संघ ने दूध के क्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि की है, जिसका सीधा फायदा पशुपालक व किसान को होगा। नई दरों के अनुसार गाय का दूध जब 33 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जाएगा, जो पहले 30 रुपए प्रति लीटर था, इसी तरह भैंस का दूध अब 50 से 52 रुपए प्रति लीटर के दर पर खरीदा जाएगा। इसके अतिरिक्त रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच डेयरी फार्मिंग को घाटे का सौदा कानना पड़ रहा है, इसलिए दूध की कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, ताकि किसानों व पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में पहले भी कई बार दूध के दामों में बदलाव होता रहा है। वही जून 2017 में राज्य डेयरी विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि राज्य सरकार को डेयरी विकास के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए केंद्र से 25 से 30 करोड़ रुपए तक की धनराशि मिलती है। अधिकारी ने कहा कि अब यह धनराशि डेयरियों को दी जाएगी, जो उच्च दरों पर दूध खरीदेगी, लेकिन मौजूदा दरों के अनुसार इसे ग्राहकों को बेचेगी। ये फंड मूल्य वृद्धि के बाद पैदा हुए अंतर को भर देंगे। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।